स्टूडेंट्स, लेट्स सी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कैसे नरेशन करते हैं आपके। इसके पहले जो सेंटेंस आया था आपका इंपरेटिव सेंटेंस, एंड व्हाट का भी सब्जेक्ट चेंज है, वेंडर रिगार्डिंग द चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रिलेटेड टू द इंपरेटिव सेंटेंस, ये सब आदमी बता दिया गया है, दिखा भी दिया गया है आपको। जैसा कि यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका स्क्रीन शॉट दे दूँगा आपको बोर्ड पर, आप पास ले लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन, अगला आपका सेंटेंस आता है नरेशन के चेंज में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। आप जानते हैं कि सेंटेंस पांच प्रकार का होता है और उसमें से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है इच्छा बोधक वाक्य, जिसे हिंदी में कहते हैं या उसका हिंदी में डेफिनेशन करें तो ऐसे भावना या विचार जो मानव हृदय से एक उचित वातावरण को प्रस्तुत होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना, अभिवादन, आशीर्वाद और अभिशाप, ये सब के भाव के साथ प्रकट होते हैं, ये सब इच्छा बोधक वाक्य है। मतलब इच्छा बोधक वाक्य में आप देखेंगे कि ये सारे भाव उस वाक्य से प्रस्तुत होते हैं, देख कर आए। जैसे आपने डेफिनेशन में लिखा है, अपने डेफिनेशन में देखेंगे द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स, वह वाक्य जो शुरू होता है द वर्ड्स में, आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होगा वो मे से शुरू होगा, मे से शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव भी होता है, लेकिन इसको होता है मे आई कम इन, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जो मे होगा वो इंटरोगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम मे जनरली प्रायर, मतलब द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड, वो वाक्य जो शुरू होता है मे से, जनरली इन रिपोर्टेड स्पीच एंड डिस्क्लोज द सेंस ऑफ, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो उनमें से शुरू होते हैं जिससे कुछ भाव प्रकट होते हैं, इससे प्रेयर प्रार्थना के, ब्लेसिंग आशीर्वाद के, कर्स अभिशाप के, विश इच्छा के, एंड सो ऑन, और इसी तरीके की और भावना है। एंड एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और यह जो वाक्य जब किसी वाक्य में समाप्त होता है, मतलब तो जब ऐसा सेंटेंस एंड्स होता है तो खत्म होता है, तो उसके लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें भी चिन्ह इसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे करते हैं संबोधन का चिन्ह लगता है। एंड कॉल ऑपरेटिव सेंटेंस, तो ऐसे वाक्य आप निकाल आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस, मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आई मीन टू से द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, जो इनवर्टेड कॉमा के वाक्य को शुरू होता है मे से, और उसके मे से शुरू होने वाले वाक्य क्वेश्चनेटिव भी होते हैं, प्रश्न भी होता है, लेकिन प्रश्न अगर मे से शुरू होने वाले वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तब वो मे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तब वो मे क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन मे शुरू है आपका मे से वाक्य, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, ये विस्मय का या संबोधन का चिन्ह लगा है, तो ऐसे वाक्यों को हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, क्वेश्चनेटिव नहीं है, अर्थात इसे इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की एक खासियत है कि अपना अर्थ तब तक व्यक्त नहीं करते जब तक कि आप पूरा वाक्य नहीं पढ़ें, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि उसमें कैसा भाव है, प्रेम का है, आदर का है, सत्कार का है, प्रार्थना का है, अभिवादन का है, आशीर्वाद का है, कैसा भाव है। जब तक आप पूरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आपको स्पष्ट नहीं, ठीक। और रूल्स स्ट्रांग चेंज, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से प्रार्थना, प्रेयर, आशीर्वाद, ब्लेस, अभिशाप, कर्ष, इच्छा, विष, अभिवादन, वे, ये सब के भाव प्रस्तुत होते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो वो आपका ये सब भाव प्रस्तुत करता है, अर्थात अब इसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन भी करेंगे। मतलब अगर दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आपका प्रार्थना का भाव प्रस्तुत होता है, मतलब उस वाक्य में प्रार्थना जगता, मतलब वो बात बता रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर, तब आप सेड या सेड टू को बदलते हैं जिसमें प्रेड एंड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर करेक्टिव लगाते हैं टैग। अगर आपको दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आशीर्वाद अर्थात ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देने का भाव प्रकट करते हैं, माय मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ताकी तो भगवान ने जो चीज किया तो नाम उनको आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं कि ये जो भाव है जैसा भाव होगा वैसा उसका भाव, मतलब तो जैसे सेल्स आएंगे उसमें ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो आशीर्वाद का अगर भाव है तो सेल या सेल
को हम ब्लेस्ड में बदलेंगे, कमा इन्वर्टिंग कमा अंडा के कनेक्टिव डैट है। अगर उसमें दिए गए भाव में अभिशाप, अभिशाप को तो कहते हैं इंसान को दुआ भी नहीं बस दुआ भी है ना, भगवान करे उसके घर में आग लग जाए, भगवान करे उस पर टांग मिल जाए, भगवान करे प्रभाव फेल हो जाए, ऐसा हम भाव प्रस्तुत करते हैं। तो अगर इंसान किसी के लिए सुख इच्छा करता है तो अनिच्छा भी करता है, मतलब दुआ देता है तो बद्दुआ भी। तो अगर आप किसी के लिए बद्दुआ देते हैं कर्ष अभिशाप बद्दुआ देते हैं ना, तो अगर उसके कर्ष का ऐसे जैसे कहा जाए दगर से गुड टू हेल्थ है ना, लड़की ने कहा नरक में हार में जहन्नुम में जाओ, सब कहते हैं ये सब ऐसे सच है, ये सब आपके बद्दुआ है, भगवान करे तुम्हारा टांग टूट जाए, भगवान करे तुम फेल हो जाए, भगवान करे तुम गिर जाओ तुम्हारे दोनों आगे का टांग टूट जाए, ये सब क्या है किसी के लिए बद्दुआ अभिशाप वो कर्ष। अगर ऐसा कोई सेंस है जिससे ये सेंस आ रहा है बद्दुआ का, तब आप सिर या सिर को कर्ज दो, बाकी चीजें वैसे ही। अगर इच्छा अगर देखा जाए तो ये सभी इच्छा ही ये सारे विष, ये सारे क्या है विष। अगर अगर एक बात और, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि दिए गए रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य से कैसा भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का, आशीर्वाद का, शाप का, अभिवादन का, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी सेंटेंस रहे उसके सिर या सिर को किसको बदल देंगे विष। अगर नहीं समझ आ रहा है तब सेंस, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है इच्छाएं ही है। किसी को आशीर्वाद देना भी इच्छा है, किसी के लिए बद्दुआ देना भी इच्छा है, किसी को अभिवादन करना भी क्या है इच्छा है, ये सारी चीजें विष ही है ठीक। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप विष लगा, लेकिन ऐसा बड़ा कम है, नहीं कि आप पहले से मान लीजिए सर हमको नहीं समझ में आ रहा है विष लगा, तो ऐसा मत मान के चलिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा। अब जब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं इसके सेंस क्लियर नहीं होता, नहीं हो पाते तब आप और अभिवादन पेड़। अभिवादन का मतलब होता है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स आपका डे, ऐसा कोई ग्रीटिंग वर्ड आप देते हैं किसी को, किसी को कंग्रेचुलेशन करते हैं, ये सब बेड गुड मॉर्निंग भी आप वेट करने मतलब शुभेच्छा अभिवादन, तो आप गुड मॉर्निंग सर है ना, तो ही या सी बेड गुड मॉर्निंग सर ऐसे ठीक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ठीक है आज के गिवन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, मतलब सभी दिए गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाए तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव से असर्टिव सेंटेंस में बदल, ये सारे चेंजेस आपसे बेसिक रूल में किए जाते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, या एग्जांपल में जैसे उदाहरण लिखा है द टीचर सेड मे यू पास विद गुड मार्क्स, या कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन जब उसमें कैसे द टीचर सेड मे यू पास विद गुड मार्क्स, यहाँ पर ने कहा भगवान करे तुम अच्छे, भगवान ने कहा तुम अच्छे अंकों से पास, तो टीचर ने आपको क्या दिया, टीचर आपको आशीर्वाद ही देते हैं अक्सर का जो भाव होगा, तो इसका जो सेंस आएगा वो क्या हो जाएगा द टीचर सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे विश, सॉरी अगर आपका इसमें सेंस प्रकट हो रहा है कि टीचर आशीर्वाद दे रहा है तो क्या हो जाएगा तो द टीचर ब्लेस सेड या सेड टू किसमें बदलेंगे हम ब्लेस ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे दैट। अब दिए गए इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को जब आप चेंज करोगे क्योंकि मे से शुरू है और एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक, तो ये इस तरीके से शुरू होगा, तो जब इस चीज को शुरू करेंगे तो इसमें कुछ चीजें ध्यान देंगे कि जब ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मे का क्या हो जाता है माइंड, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो मे का माइंड हो जाएगा सिंपल सेंटेंस को लेकर, सिंपल सेंटेंस करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर यू है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ही या शी कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, तो द टीचर ब्लेस दैट ही या शी मे क्या क्या हो जाएगा माइट पास विद गुड
सेकंड ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, जब क्योंकि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है इसे हम बदलेंगे किससे, असर्टिव में। असर्टिव होने का मतलब करेक्टिव के बाद ई आर सी मतलब कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड टू वर्ब आएगा, ऐसे आएगा तो मैं हेड टू वर्ब। जब इसका एक्टिव सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मैं का क्या बनता है, माइट हो, क्योंकि यहां पर यू है तो सब्जेक्ट कुछ ई आर सी तो हो सकता है आप पूरा इस्तेमाल कर सकते दे, ठीक। ई आर सी माइट पास विद गुड मार्क्स, ठीक। इस तरह समझ में आई बात। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल द ओल्ड लेडी सेड, द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड मेक यू प्रॉस्पर, मेक यू प्रॉस्पर। द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड मेक यू प्रॉस्पर, भगवान तुमको तरक्की यानी गाने से भरे। द ओल्ड लेडी सेड यहाँ पर एक गॉड गॉड वर्ड है ना, रिपोर्टेड स्पीच। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में गॉड आया तो भगवान से लोग प्रार्थना ही करते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा, ठीक। अगर भगवान शब्द ऑलरेडी आ गया तो रिपोर्टेड वर्ब को हमेशा प्रेड में बदलो, हमेशा प्रेड, ठीक। तब ये नहीं डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड वर्ब आने वाला कौन है, कैसा है, ठीक है। तो हम इसको बदलने की द ओल्ड लेडी प्रेड, द ओल्ड लेडी प्रेड। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, गॉड प्रेड दैट गॉड might, God might make you trust, God might make him या her, दोनों him prosper, clear, समझ आई बात। तो इस तरीके के आपने एग्जाम्पल देखे, इसी में मैं एक एग्जाम्पल आपको दूसरे तरीके दिखा देता हूँ, देखिए जब भी आप लीजिएगा इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट वीडियो में आप स्क्रीन शॉट में छोड़ दिए हो, जैसे कि आप किसान दार देखते हैं, जैसे अगर कभी 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 आप देखते हैं कि जब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके मे और माइट का प्रयोग नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच सीधे सीधे क्या होता है, वर्ब से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल द गर्ल, द गर्ल सेड, द गर्ल सेड ऐसे करते हैं, गो टू हेड, गो टू है ना, जिसमें मेन प्रयोग नहीं, क्योंकि अगले अगला जो है इतना उत्साह में है, इतना ओज में है, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अगला कौन नरक में जाओ, भगवान में जहन्नुम में जाओ, कहते ना तुम जहन्नुम में जाओ, ऐसा नहीं सीधे भाव। तो जब भावना के आवेग में व्यक्ति होता है तो छोड़ देता है, ठीक। तो ऐसे वाक्यों में आपको मानना पड़ेगा कि इसमें मेन यू क्या है, छुपा हुआ। ऐसे वाक्यों में जो सीधे फाइनाइट तौर से शुरू हो रहा है, ऐसे वाक्यों में जब आप डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो आप मानेंगे कि यहाँ पर मे यू छुपा हुआ, तब आप उसको बनाएंगे। तो जब आप इसे बनाएंगे तो क्या जाएगा, द गर्ल, द गर्ल, क्योंकि ये किसी को गाली देने वाली बात है, अब्यूज करने वाली, क्या है, गर्ल कॉस्ट, द गर्ल कॉस्ट दैट मे यू छुपा, तो मे यू छुपाया तो क्या जाएगा, ही या सी, ही या सी माइट, माइट गो टू हेड, ठीक। मे यू क्या छुपा था, क्योंकि इसमें गो टू हेड तो आपने क्या किया, अब इसमें माना है ही आर सी माइट गो टू हेड, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जब मैं पढ़ रहा था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी देखना। तो इस तरीके से आप और एग्जाम्पल सपना कीजिएगा, देखिएगा इसमें हमने देखा कि आप डेटिंग, अब अगली क्लास जो होगी इसकी केवल आपके एक्सरसाइज की होगी, ठीक है।